हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना फैशन डिज़ाइनर। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखिए फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगनर फ्रेंडली है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो इस डिज़ाइन को बहुत आसानी से बना लेंगे। अब देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो है 7 के मल्टीपल में यानी कि 7 के गुने में फंदे लेने हैं, प्लस 4 फंदे आपको इसमें एक्स्ट्रा रखने हैं। सिर्फ 4 सिलाइयों में डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। जो 4 सिलाइयाँ आपको बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज डिज़ाइन आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो डिज़ाइन पैटर्न की फर्स्ट रो है वो आपकी फ्रंट साइड से स्टार्ट होगी। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जैसे ही फंदे डाले सारे, उसके बाद फर्स्ट रो मेरी उल्टी साइड से थी तो मैंने उल्टी उल्टी बना ली। अब मैं सीधी तरफ आ गई तो सीधी तरफ से मेरी ये डिज़ाइन की पहली सिलाई होगी। जब भी आप फंदे डालें तो पहली सिलाई से ही आपको डिज़ाइन डालना है। तो देखिएगा पैटर्न की फर्स्ट रो, पहला फंदा हम ऐसे एज स्टिच का पहली सिलाई है इसलिए बुन लेंगे, वैसे तो स्लिप करते हैं। इसके बाद धागा अपनी तरफ लाके हम यहाँ पे दो फंदा उल्टा बनाएंगे, इस तरह से धागा पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम 5 फंदा सीधा बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए एज स्टिच को छोड़कर ये जो हमने 5 फंदा बनाए वही हम बार बार रिपीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदा उल्टा, ये देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। धागा अपनी तरफ लाएंगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, धागा पीछे, लास्ट का जो एज स्टिच होगा उसे हम सीधा बनाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड आ जाएंगे पैटर्न की रो नंबर 2। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ ये दो फंदे सीधे दिख रहे हैं सेकंड रो में, तो इनको हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदा उल्टा दिख रहा है तो 5 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, यानी कि सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए धागा पीछे, फिर से यही रिपीट करेंगे, दो फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा मेकअप वाला चैनल नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, वहां पर मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप ट्यूटोरियल के वीडियोस बनाती हूँ। तो एक बार देख लीजिए, हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम का हो, आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्यार सपोर्ट दीजिएगा जैसे इस चैनल को दिया हुआ है आपने। और मेरे जो दूसरा चैनल है मेकअप वाला, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दो सिलाइयाँ बना ली। अब रो नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, दो फंदा हम यहीं उल्टे बना लेंगे इनको इस तरह से, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पे 5 फंदे हैं, 5 फंदे में से जो बीच वाला फंदा तो हम सीधे ही बनाएंगे, बाकी ये दो फंदे और ये दो फंदे इनको हम ट्विस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये फंदा हम ऐसे लेंगे और इसको हम इस तरफ ऐसे ले आएंगे ऐसे। अब पहले हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे इस तरह से, फिर हम इस फंदे को सीधा बनाएंगे, बना लिया। अब बीच का फंदा हम ऐसे ही सीधा बना लेंगे नॉर्मल, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ, सॉरी, अब फिर से, अब देखिए फिर से ट्विस्ट करेंगे। अब इन दोनों फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तब क्या करेंगे, इसको आगे पीछे ले जाएंगे, इसको आगे लाएंगे। तो देखो सेकेंड वाले फंदे को हम ऐसे पकड़ेंगे, इस फंदे को हम इधर ले आएंगे इस तरह से, इस फंदे को देखो दो सीधा बनाएंगे, अगले फंदे को भी सीधा बना लेंगे ऐसे, बना लिया। धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे, फिर से यही करेंगे। देखो ये ट्विस्ट किया, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये देखिए दोनों को सीधा बना लिया, धागा पीछे ही रहेगा, एक फंदा बीच का सीधा बनाएंगे, फिर अब हम ये फंदा ऐसे पकड़ेंगे और ये ऐसे, अब इसको ट्विस्ट कर लेंगे, इसे सीधा बनाएंगे और फिर इसे भी सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे इस तरह से। आ जाएंगे हम अपनी रॉन्ग साइड रो नंबर 4, पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे, तो इसको रो नंबर 2 की तरह बनाएंगे, दो फंदा सीधा और 5 फंदा उल्टा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, धागा पीछे, फिर से वही दो फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3,
5। धागा पीछे, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे जिसमें से दो फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा एज स्टिच का उल्टा बनाएंगे। देखिए इस तरह से ये चार सिलाइयां हमने बना ली। अब यही चार सिलाइयां हमें बार बार रिपीट करते हुए जाना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। अब देखिए रो वन हम फिर से वही रिपीट करेंगे, दो फंदा उल्टा पांच फंदा सीधा। एक बार और आपको बना के बताती हूँ जिससे कि डिजाइन जो है, सॉरी गाइस, क्लियर दिखाई देने लगेगा। अभी डिजाइन ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है आपको। ऐसे धागा अपनी तरफ, दो फंदा, वन टू, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा। तो इस रो को हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल रो वन है, स्टार्टिंग से बता रही हूँ आपको। ये देखिए रो टू, पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, जो जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये दो सीधे दिख रहे हैं तो इनको सीधा बना लेंगे। इसके बाद पांच उल्टा, वन टू थ्री फोर फाइव, दो सीधा पांच उल्टा। दो सीधा एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। देखिए रो नंबर थर्ड, ध्यान से फिर से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा। अब देखो इस फंदे को हम इधर लेकर आएंगे और इसको इधर, ठीक है, ऐसे। और अब इसे बीच के फंदे को हम सीधा बना देंगे ऐसे। फिर अब देखो ये इधर से ट्विस्ट करेंगे, इसको पहले इसको बाद में। ये देखिए धागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा। फिर से देखो ट्विस्ट करेंगे, इसको इधर लाएंगे आगे से ऐसे। दोनों को सीधा बनाएंगे, बीच का फंदा भी सीधा बनाएंगे। फिर इसको लाएंगे आगे पीछे से, बस एक बस पहली बार आगे से लाना है, दूसरी बार पीछे से लाना है, इतना ध्यान रखना है। दो फंदा उल्टा। रो नंबर फोर पूरी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ओ सॉरी, उल्टी नहीं, मतलब दो सीधा पांच उल्टा, थ्री फोर फाइव। इस तरह से आप इस डिजाइन को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जब आप इसे ज्यादा फंदों पर डालेंगे ना, तो ये डिजाइन बहुत बहुत खूबसूरत बनेगा। ये देखिए इस तरह से, देखिए ज्यादा फंदों पर डालेंगे तो ये डिजाइन बहुत खूबसूरत बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से ये डिजाइन दिखाई देगा, बहुत खूबसूरत है। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, जैकेट, ब्लैंकेट, हर जगह बहुत खूबसूरत बनेगा। आप इस डिज़ाइन को ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्रंट साइड से ऐसे और रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है। कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।